तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। आज जो है गुड इवनिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैं दिन में था, सुबह सुबह मैं काम के लिए निकल गया था, तो मैं दिन में ब्लॉग नहीं बना पाया दोस्तों। तो अभी का जो है समय बज रहे हैं 6, और दोस्तों रेशमी जी जो है इधर किचन में कुछ बना रही है। क्या बना रहा है? देखो छोटी मुन्नी हंस रही है। क्या बना रहे? तो हमारे घर में जो है चीतू बनने वाला है, वो रेशमी जी बताएंगे कैसे बनाते हैं। बताएंगे क्या बनाते हुए दिखाएंगे अभी रेशमी जी। अभी जो है रेशमी जी थोड़ा सा मिर्च और प्याज काट लिया है। अभी देखते हैं दोस्तों रेशमी जी कैसे क्या करते हैं और क्या बनाते हैं दोस्तों। और बड़ी मुन्नी इधर दोस्तों बैलून के साथ खेलने लग रही है। देखो ये बर्थडे का ही बैलून है, हम लोग जो ब्लॉग बनाया था बर्थडे वाला, वो जरूर देख लेना दोस्तों आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो। दोस्तों अभी रेशमी जी जो है एक कटोरी आटा ले लिया है और कटोरी में इसको डाल रहे हैं अभी। उसके बाद में हमारा कटा हुआ प्याज और जो है इसमें मिर्च, दोनों चीजें जो है डाल रहे हैं अभी। अभी जो है दोस्तों रेशमी जी इसमें थोड़ा सा एक कटोरी पानी ले रहे हैं और पानी को जो है इसमें डाल दिया है आटे के अंदर। अभी जो है दोस्तों रेशमी जी ने जो तावा है, वो तावा का जो गैस है दोस्तों वो ऑन कर दिया है और तावा भी पूरी तरीके से गर्म हो गया दोस्तों। और रेशमी जी इसमें थोड़ा सा नमक डालने जा रहे हैं और क्या, नमक और हल्दी। तो जो है इसको आटे को और ये सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखो छोटी मुन्नी के बदमाशी, कुकर चलाएगी, कुकर है ना, नो गंदी बात ना। देखो दोस्तों इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। इसको दोस्तों इस तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें दाने ना रह जाए। अभी जो है रेशमी जी इसमें तावा में थोड़ा सा तेल डाल रहे हैं दोस्तों। अभी रेशमी जी जो है इसमें आटे को डालने जा रहे हैं एकदम। देखिए बढ़िया तरीके से डाल दिए तावा पे। देखिए दोस्तों इसको जो है अच्छी तरीके से पलट देंगे। तो अभी जो है रेशमी जी इसको पलट दिया अच्छी तरीके से। ये देखिए दोस्तों ये उसी तरीके से बन रहा है जो जैसे चिल्ले बनते हैं दोस्तों। चिल्ले आप लोग खाए होंगे दोस्तों, उसी तरीके ठीक उसी तरीके से बन रहा है अभी, है ना रेशमी जी? धनिया पत्ता। तो रेशमी जी दोस्तों, रेशमी जी बोल रहे हैं इसमें अगर धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हो आप लोग। ये देखिए दोस्तों देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ये एकदम ऑमलेट जैसा लग रहा है। देखो दोस्तों अभी से दोस्तों इतना स्वादिष्ट लग रहा है ये। देखिए दोस्तों हमारा जो चीतू है दोस्तों, वो चीतू बन गया है अभी और इसको प्लेट में निकाल लेंगे। हाय एकदम देखने में दोस्तों, एकदम देखने में तो देखो ऑमलेट जैसा लग रहा है एकदम। क्या सेंट आ रहा है दोस्तों, बना के जरूर देखना। और बड़ी मुन्नी जो है आज पूरे दिन इसको छुट्टी था, तो पूरे दिन इसको जब छुट्टी रहता है ना स्कूल का, बहुत ज्यादा बदमाशी कर दिए है। तो हम लोगों ने ये सोचा है इसको कल से स्कूल भेजना है। अभी आज इसका छुट्टी था तो पूरे दिन इसने बदमाशी किया है, होमवर्क भी नहीं किया। होमवर्क किया बेटा तुमने? नहीं किया। क्यों नहीं किया? होमवर्क करना चाहिए ना बेटा। तो कल से जो है हम लोग इसको स्कूल में भेजेंगे क्योंकि अगर ये घर में रहता है दोस्तों तो बहुत ज्यादा बदमाशी करते हैं। तो दोस्तों हमारा चीतू जो है बन गया है और बन के यहाँ पे देखो दोस्तों प्लेट में आ गया है। और बड़ी मुन्नी अभी दोस्तों बोलने के बाद में अभी अपना होमवर्क करने लग रही है। छोटी मुन्नी चली गई थी घूमने के, मम्मी के साथ में घूमने चली गई थी छोटी मुन्नी, अभी आ गई है। दोस्तों देखो देखने में इतना एकदम अंडा जैसा लग रहा है। अभी दोस्तों इसको खा के बताता हूँ मैं कैसा लगता है। दोस्तों जो चिल्ला होता है ना दोस्तों, खाने में ठीक वैसे लग रहा है लेकिन इसका स्वाद जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। चिल्ले जो है वो थोड़ा चिपकता है लेकिन ये चिपक नहीं रहा है, अंडे जैसे एकदम करकीरा सा लग रहा है, सही लग रहा है एकदम खाने में। दोस्तों अगर कभी टाइम मिला तो दोस्तों बना के खा लेना दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो अनिशा भी जो है आ गई है, ये भूखी है, हमेशा भूखी रहती है, खाने के लिए आ जाती है ना अनिशा। रेशमी जी भी ने खा लिया ना, कैसा लग रहा? बहुत ही अच्छा। हाँ मुन्नी भी खाइए। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है दोस्तों बहुत ही छोटा सा ब्लॉग है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आज की ब्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है अगले वीडियो में। हंसते रहे, हंसाते रहे, खुश रहे, खुशियाँ भरते रहे। बाय बाय।